दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खुरकबांड और कारू का खजाना। ये खुरकबांडी कॉमिक्स है तो पढ़ते हैं इसको। एक रात खुरकबांड इंस्पेक्टर पटाका सिंह द्वारा दी गई दावत में तगड़ी दावत उड़ाकर अपने करामाती बाबा आदम के जमाने की फटफटिया पर अकेला ही वापस लौट रहा था, क्योंकि आजकल मोटू का हाजमा ठीक नहीं चल रहा था। काफी रात हो गई, लगता है घर पहुंचते पहुंचते 1 बज जाएगा। एक खंडर के निकट से गुजरते समय दूर किसी घड़ियाल ने 12 बजने की सूचना दी। टन टन, ओह भूतिया टाइम हो गया। सुना है इस समय भूत अपने ठिकानों से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। और तभी एक तेज चीख ने रात में छाए सन्नाटे और वीराने को भंग कर दिया। बचाओ है, यह तो किसी स्त्री की चीख मालूम पड़ती है और वह किसी खतरे में है। बॉन्ड ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाया और अंधकार में आके फाड़ फाड़ कर देखा। चीख एक बार फिर उभरी, साथ ही कई दौड़ते कदमों की आवाजें भी उसके कानों में पड़ी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। खट खट खट, आवाजें तो खंडर की दिशा से आ रही है, परंतु दिखाई कोई नहीं दे रहा। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी उस तरफ करता हूं और मोटरसाइकिल का रुख जैसे उसने खंडर की दिशा में किया। बचाओ, ओ शायद वे लोग उस लड़की की इज्जत लूटने के चक्कर में है। अभी मजा चकाता हूं उन बदमाशों को। तभी लड़की दौड़ती हुई उसके निकट पहुंच गई, किंतु बॉन्ड के चेहरे पर निगाह पड़ते ही वह बुरी तरह चौंक उठी। आह प्रियतम कारू, तुम? प्रियतम कारू, यह किस चिड़चिड़ी के छक्के का नाम है देवी? तुम्हारा ही है मेरे प्रियतम, तुम्हें गलतफहमी हुई है देवी। मेरा नाम तुम्हारा प्रियतम कारू नहीं है, बल्कि कुर्कबाण चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड है, और दूसरे शब्दों में अनोखे लाल है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है प्रियतम, तुम मेरे कारू ही हो और मैं तुम्हारी शिखा। हमारा तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। यह लड़की या तो खुद पागल है या मुझे पागल बना रही है। तभी एक कागजी पहलवान, इस लड़की को छोड़कर एक तरफ हट जाओ, वरना हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। नहीं नहीं प्रियतम, मुझे अकेला छोड़कर हरगिज मत जाना, ये लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। क्या कहा, इज्जत लूटना चाहते हैं? यानी इतना गंदा काम? छी छी, क्यों बे लफंगो, इतना गंदा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भला तुम जैसे शरीफ आदमियों को किसी की इज्जत लूटना क्या शोभा देता है? क्यों देवी, क्या मैंने गलत कहा है? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियतम, इन लोगों से तुम मेरी इज्जत बचाओ। जरूर बचाऊंगा। ए मिस्टर, यदि तुम लोग अपनी बहन का और मेरा मतलब अपना भला चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना वरना तू क्या कर लेगा? वरना वरना ओ मैं खुद यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। क्यों मैं अब जाऊं यहां से? नहीं नहीं प्रियतम, तुम मुझे इस तरह मझधार में छोड़कर मत जाओ। एक तो तुम वर्षों के इंतजार के बाद मुझे मिले हो और मुझे इन शैतानों के वाले करके जा रहे हो। ये अवश्य के कुत्ते न केवल मेरी इज्जत तार तार कर देंगे, बल्कि मुझे जान से भी मार देंगे। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं देवी। फिर तुम मुझे बार बार प्रियतम क्यों कह रही हो? आखिर कौन हो तुम? मैं कौन हूं और तुम कौन हो, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम इन लोगों से मेरा पिंड छुड़ाओ प्रीतम। चलो ऐसा ही सही। ये लफंगो, तुम लोग अभी तक यहाँ खड़े हो? जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं एशिया सम्राट जासूस कुर्बांड चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड हूँ। यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। ओ शेरू, यह गिद्ध ऐसे नहीं मानने वाला। जरा निकालना तो अपना चाकू, जल्दी तुरंत ही भाग जावे छोकरे, वरना मैं तेरा पेट तरबूज की तरह चीर कर रख दूंगा। अच्छा तो यह बात है, मुझे सब्जी काटने वाला चाकू निकाल कर डराता है? ले देख, मेरा भी ब्रुसली वाला ब्रांड, कड़ाक। आह, कुर्कबान ने मार्शल आर्ट से दिखाया। साए, उफ, ई, कड़ाक, याहू, फटाक, हाय मर गया, धड़ाक। ये आर्ट मैंने अपने दूसरे गुरु कुंग-फू मास्टर ब्रुसली से अब सपने में सीखा बेटे। धड़ाक, शॉक, उफ, मैं तुम सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चंद सेकंडों में ही बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। और भागो, यह साला तो शैतान का बाप मालूम होता है। भागो, शैतान का नहीं हमारा बाप है, भाग ही लो। अरे ठहरो, झाड़ू के तिनको भागकर कहां जाते हो? अभी मैं तुम्हें इकट्ठा करता हूं। बिल्कुल मत रुकना, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और प्लग झपकते हुए तीनों अंधकार में खो गए। भाग गए साले बुजदिल कहीं के, बड़े आए थे इज्जत लूटने। क्यों देवी, अब तो ठीक है ना? तुम कितने ग्रेट हो प्रियतम, बिल्कुल पहले की तरह ही बहादुर हो।
जरा भी नहीं बदले। अरे बापे ए दो रटो, मुझे बुखार आने लगा है। बड़े मुश्किल से बॉन्ड ने भी युवती को दूर किया। आप ठीक है, बोलो तुम कौन हो और ये बदमाश तुम्हारे पीछे कहां से लग गए, और मैं तुम्हारा प्रियतम कब से बन गया? मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी, बस पहले मुझे घर पहुंचा दो। मेरे जरूर पहुंचाऊंगा। कहाँ है तुम्हारा घर? वो उस खंडर के पीछे। ठीक, आओ मेरी गाड़ी पर बैठो। बॉन्ड उसे अपनी फटपटिया पर बैठाकर खंडर की ओर चल पड़ा। कम से कम इस बीच इतना तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, और इतनी रात गए तुम यहाँ से कहाँ से आ रही हो? बताया ना, मैं तुम्हारी सिखाऊं। मैं नाइट शो देखकर घर वापस लौट रही थी, मुझे सवारी नहीं मिली तो मैंने इन लोगों से लिफ्ट मांगी। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। जरूर आओ भीतर बैठो। लेकिन उस वीराने खंडर तक पहुंचते ही उनकी नीयत बदल गई और वे मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। लेकिन यह तो अच्छा हुआ प्रियतम कि तुम समय पर पहुंच गए और मेरी इज्जत बच गई। फिर वही प्रियतम देवी, अब प्रियतम का चक्कर भी बता दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बस मेरा घर पास ही है, वहां पहुंचकर मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अजीब लड़की है, कहीं यह भूत प्रेत की बहन तो नहीं है? भूत प्रेत का ध्यान आते ही कुर्कमंड बुरी तरह से बौखला उठा और मोटरसाइकिल कुछ क्षणों के लिए बेकाबू हो गई। अरे बाप रे, गया काम से, और लाख ब्रेक लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल खंडर की एक पुरानी दीवार से जा टकराई, धड़ाम। लेकिन ईश्वर की कृपा से मोटरसाइकिल के साथ साथ उसे भी कोई क्षति नहीं पहुंची। शुक्र है, बाल बाल बच गया। बॉन्ड धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं तो ठीक हूं देवी, लेकिन तुम कैसी हो? है यह देवी कान दर्द हो गई। देवी जी कहो, तुम जिंदा हो या मर गई? कम से कम हाँ या ना में जवाब तो दे दो। बॉन्ड ने आसपास उस युवती को लाख खोजा, परंतु वह रोशनी में अंधकार की तरह ही खो गई। जरूर वह प्रेत भूत प्रेत ने ही रही होगी, वरना इतनी इतनी जल्दी कहां जा सकती थी? अरे हाँ, उसने कहा था कि खंडरों के पीछे उसका घर है। जरा उधर मैं भी एक बार देख लेना चाहिए। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर बॉन्ड खंडरों के पीछे पहुंचा। अरे यहाँ तो सपाट मैदान है, एक भी मकान या झोपड़ी तक नहीं है। अब क्वेश्चन देने की वह कोई प्रेत नहीं ही होगी, वैसे भी इनका घूमने का यही समय होता है। अगले पल उसने मोटरसाइकिल मोड़ कर वापस दौड़ा दी। चल बेटा कुर्कमंड, यदि अपनी जान की खैर चाहता है तो मोटरसाइकिल लेकर भाग ले यहां से। रात के 2 बजे वह घर पहुंचा। उसके मम्मी डैडी कई दिन से घर पर नहीं थे, इसलिए घर का दरवाजा मोटू ने खोला। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रहा है? गेट बंद कर और आ जा कमरे में। बॉन्ड ने मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी की, और जब मोटू गेट बंद करके भी कमरे में पहुंचा तब तक बॉन्ड अपने कपड़े जूतों समेत बिस्तर में समा चुका था। कमाल के आदमी बॉन्ड भैया, कपड़े बदलने तक की जरूरत नहीं समझी। खर। फिर मोटू ने बॉन्ड के जूते उतारे और बत्ती बंद करके खुद भी अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह बॉन्ड की आंखें तभी खुली जब मोटू ने उसे चाय के लिए जगाया। अबे मोटे बैंगन, इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? जल्दी नहीं जगाया बॉन्ड भैया, पूरे 10 बज चुके हैं। लो आराम से चाय पियो, फिर यह बताओ कि रात तुम इतने बौखलाए हुए क्यों थे? ओह वह क्यों, तुम डर से क्यों गए? अबे यार बात ही ऐसे, रात की बात याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे भी बताओ ना आखिर बात क्या हुई। कल रात मेरा एक प्रेतनी से सामना हो गया था। क्या? प्रेतनी का नाम सुनकर मोटू के भी रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि क्या तुम सच कह रहे हो बॉन्ड भैया? क्या सचमुच तुम्हारी मुलाकात किसी प्रेतनी से हुई थी? अबे तंदु, तो क्या मैं तुझे झूठ बोलता नजर आ रहा हूं? अबे यह तो गनीमत समझी, तेरा गुरु जिंदा बच गया और सही सलामत घर पहुंच गया, वरना इस समय तू मेरी लाश पर आंसू बहा रहा होता। फिर बॉन्ड ने मोटू को सारी आपबीती कह सुनाई। सब कुछ सुनकर, सचमुच बॉन्ड भैया तुमने तो बहुत भयानक कहानी सुनाई और मुझे सुबह सुबह ही डरा दिया। बे उल्लू के तुम, यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अब चल फूट यहां से और फटाफट नाश्ता तैयार कर ले, तब तक मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद हम ऑफिस चलेंगे। कहकर बॉन्ड ने चाय खत्म की और बाथरूम में घुस गया। जब तक वह नहा धोकर तैयार हुआ, मोटू ने नाश्ता तैयार कर लेकर मेज पर सजा दिया। दोनों नाश्ता करने लगे। क्या सचमुच बॉन्ड भैया ने मुझे सच्ची बात बताई थी? क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं? क्या वह वास्तव में ही कोई प्रेतनी थी? नाश्ता करने के बाद दोनों ने घर को ताला लगाया और फटफटिया पर सवार होकर ऑफिस पहुंच गए।
लेकिन न तो उस दिन ऑफिस में कोई क्लाइंट ही आया और न ही बोन्ड का मन ऑफिस में लगा। यही हाल मोटू का भी था। यदि वह सचमुच ही कोई प्रेतनी थी तो जरूर दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह मुझे अपना वर्षों पुराना प्रियतम बता रही थी। यदि वह प्रेतनी मुझसे टकरा गई होती तो अरे बाप रे, तब मैं क्या करता। 3 दिन बीत गए। इस बीच न तो कुर्कबांड के साथ कोई घटना घटी, न ही वह प्रेतनी दोबारा कुर्कबांड से मिली। लेकिन चौथी रात जब कुर्कबांड पिछली सारी बातों को भूलकर मोटू के साथ अपने कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था, खर खर, तो अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज से बोंड की आंख खुल गई। खन खन, कौन? और जब उसने अंधकार में आंखें फाड़ कर देखा तो निकट एक साय को खड़ा देखकर वह सन्नाटे में आ गया। कौन है? उसने तुरंत लाइट ऑन की। फिर रोशनी में उसकी दृष्टि जिस पर पड़ी उसे देखकर उसकी रूह फना हो गई। तो तुम? हाँ प्रियतम, मैं तुम्हारी शिखा। 3 दिन गुजर गए, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए मैं स्वयं तुमसे मिलने चली आई। ओह, आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? खर, मैं तुम्हारी प्रिय शिखा हूँ और तुम मेरे प्रियतम कारू। तुम जिंदा हो जबकि मैं मर चुकी हूँ, यानी शिखा की आत्मा तुम्हारे सामने खड़ी है। आत्मा? यह तुम क्या कह रही हो? क्या सचमुच तुम कोई आत्मा हो? हाँ मेरे प्रियतम, और जन्म जन्मांतर से तुम्हें पाने के लिए इस दुनिया में भटक रही हूं, और संयोग से तुम मुझे 3 दिन पहले उन खंडरों के पास मिल गए जहां मैं रहती हूँ। लेकिन उस दिन तो तुम कुछ और ही कह रही थी कि तुम फिल्म देखकर, वह कहानी थी ताकि तुम असलियत जानकर डर न जाओ और मुझे छोड़कर चले न जाओ। इतने वर्षों बाद तुम्हें पाकर मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहती थी। मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही, तो सुनो, मैं तुम्हें पिछले जन्म की सारी बात बताती हूँ, फिर शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। पिछले जन्म में तुम दम दम दमयाल दमेताल कभी कबीले के, जो कि विचित्र घाटी में बसा हुआ राजकुमार कारू थे, और मुझे बेहद प्रेम करते थे। लेकिन यह सब तुम्हारे पिता को पसंद नहीं था। एक दिन जब हम एकांत में बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे तो तुम्हारे पिता ने हमें देख लिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसने मुझे मार दिया। आई बापू, यह तुमने क्या किया बापू? अब मैं भी इसके बगैर नहीं जी सकता। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? और तुमने अपनी कटार निकालकर अपने सीने में बोक ली। आह बेटे, यह तुमने क्या किया बेटे? बू, मैंने जो किया अच्छा ही किया पिताजी, मैं सिखा के बिना जीवित नहीं रह सकता था। मैं जा रहा हूँ बापू, परंतु तुम दुखी मत हो बापू, मैं दूसरा जन्म लेकर एक दिन अवश्य तुम्हारे पास लौटूंगा। तुम उस दिन का इंतजार करना। मैं इंतजार करूंगा बेटे, जरूर करूंगा। तुमने तो मर कर कई इस जन्म में दूसरा शरीर धारण कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं बिना शरीर के ही बरसों से भटक रही हूं। ओह, अब बताओ क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। फिर याद करने की कोशिश करो प्रियतम, तुम्हारे बिना मैं हमेशा हमेशा भटकती रहूंगी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक नया शरीर मिल जाए और मैं सह शरीर तुम्हें दोबारा पा सकूं। अरे बाप रे, और यह तभी संभव हो सकता जब तुम सब कुछ याद करके मुझे अपना कहकर शांति प्रदान कर दो। तब मैं नया शरीर धारण कर तुम्हें पा सकती हूँ, परंतु मुझे पिछले जन्म की बातें इस जन्म में कैसे याद आएंगी? इसके लिए तुम्हें मेरे साथ विचित्र घाटी चलना होगा, वहां पहुंचते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ओ, लेकिन यह विचित्र घाटी कहाँ है और कहाँ तक और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? यदि तुम वहां जाने के लिए तैयार हो तो यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी बॉन्ड भैया, ओह तुम जाग गए, कौन है यह माताजी? व्हाट, वाह, आप तो काफी अच्छे अंग्रेजी भी जानती हैं। वाह, आप तो काफी अच्छे अंग्रेजी भी जानती हैं। वर्षों से इस सभ्यता में जो भटक रही हूँ, इसलिए मुझे सारी भाषाएं आती है। फिर तो सचमुच तुम्हें दोबारा पाकर मुझे बेहद खुशी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो कब चलना होगा मुझे विचित्र घाटी? विचित्र घाटी? अबे गोंचू, ये देवी जी वही आत्मा जो मुझे खंडरों के पास मिली थी, अर्जुन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। गड़प आत्मा यानी प्रेतनी गड़प। अगले पल मोटू बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गया।
मोटू मोटू, अबे मोटू के बच्चे होश में आ, रहने दो दो डार्लिंग, इसका फिलहाल बेहोश रहना ये हमारे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अकेले चलना है, जबकि सारी बात पता चलने पर या तो ये तुम्हें रोकेगा या फिर स्वयं भी तुम्हारे साथ जाने की जिद करेगा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओ अब ज्यादा सोचने विचारने में समय नष्ट न करो प्रीतम, और मेरे साथ चलो। क्या इसी समय? हाँ यही समय हमारी यात्रा के लिए अनुकूल है। होम ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मोटू को बेहोश छोड़ बॉन्ड फटाफट तैयार हुआ और युवती के साथ घर से बाहर निकला। फिर युवती के कहने पर वह उसे अपनी फटफटिया पर बिठाकर खंडरों की ओर चल पड़ा। तुम मुझे खंडरों की ओर क्यों ले जा रही हो शिखा डार्लिंग? वहीं से हमने विचित्र घाटी की यात्रा प्रारंभ करनी है। वह हमारा एक पुष्पक विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा होगा। पुष्पक विमान? हाँ तुम्हारे यहाँ उसे हेलीकॉप्टर कहते हैं क्या? उफ़, मैं किस भूतिया चक्कर में फंस गया। ज्यादा मत सोचो डार्लिंग, अब दिमाग को कुछ समय के लिए ढीला छोड़ दो। शीघ्र खंडरों के पीछे पहुंच गए, जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा था, साथ ही उसके पास तीन हष्टपुष्ट व्यक्ति भी खड़े थे। रे वे लोग कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जो उस रात तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे? बॉन्ड की बात सुनकर युवती एक क्षण के लिए शक पकासी गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, नहीं ये वे नहीं है, ये तो मेरी त्रयी आत्माएं हैं जो तुम्हें पाने में मेरी मदद कर रही हैं। ओह आपने काफी देर लगा दी मादाम, क्या करती? मेरे प्रियतम को कुछ याद ही नहीं आया। अब मैंने विचित्र घाटी इनके कबीले ले जा रही हूँ ताकि वहां पहुंचकर इन्हें सब कुछ याद आ सके। ये आपने अच्छा किया मादाम, हम तो पहले से ही आपसे यह कह रहे थे कि इन्हें वहीं ले चलिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, चलो अब सब हेलीकॉप्टर में बैठो। सब हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगे, तभी बॉन्ड बोला, एक मिनट देवी, मैं जरा बाथरूम हुआ हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठते हुए मुझे जरा डर लगता है। ठीक है हुआ हो, लेकिन जल्दी आना। बॉन्ड एक पल के लिए अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और उसमें फिट टूल बॉक्स खोलकर उसमें से कुछ विशेष वस्तुएं निकालकर फटाफट अपनी जेबों में भरने लगा, शायद इस रिवॉल्वर की भी कहीं जरूरत पड़ जाए। रिवॉल्वर समेत सब चीजें जेब में रखने के पश्चात वह भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया और हेलीकॉप्टर उड़ चला। गुर, यहाँ से विचित्र घाटी कितनी दूर है? हेलीकॉप्टर से 1 घंटे का रास्ता है, यानी वह भारत में ही कहीं है। हाँ लेकिन भारत सरकार को भी उस घाटी के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वह एक बड़े टापू के मध्य बसी हुई है। और लगभग 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक टापू पर उतरा। चलो नीचे उतरो। हेलीकॉप्टर से नीचे से उतरने के पश्चात शिखा के इशारे पर एक व्यक्ति ने कुछ कपड़े बॉन्ड की ओर बढ़ा दिए। ये कैसे कपड़े हैं? यह तुम्हारे कबीले यानी कारू के कबीले वासियों के कपड़े हैं, तुम इन्हें पहन लो ताकि बिल्कुल कबीले के राजकुमार कारू लगो। हम भी ड्रेस चेंज करने के साथ साथ मेकअप कर ले रहे हैं ताकि कबीले का बूढ़ा सरदार जोरो मुझे और मेरे साथियों को न पहचान सके। तुम तो मुझे वहां कारू बना कर ले जा रही हो, यह ठीक है कि कबीले का सरदार तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे अपना बेटा कारू मान लेगा, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत कद बुत इस जन्म में भी कारू से मिलती जुलती है, लेकिन मैं उनसे उनकी भाषा में बात कैसे करूंगा और तुम्हारे बारे में क्या कहूंगा? हमारे बारे में तुम यही कहोगे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, उन्हें यह कतई भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे पूर्वजन्म की प्रेयसी शिखा हूं, वरना वह मुझे अपने तांत्रिकों से किसी मटके में कैद करा देंगे, वहां जादू टोने भी बहुत चलते हैं। रही भाषा की बात, उसके लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वह हिंदी अच्छी बोलते और जानते हैं। ही, फिर कभी लगा सरदार जोरो मुझे देखकर ही वह भी जान जाएगा कि मैं दूसरा जन्म लेकर उसके पास आया हूँ। बिल्कुल सर, लेकिन अब देर न करो और जल्दी से कपड़े बदल लो, हमें अभी पैदल ही काफी दूरी तय करनी है। बोर होने में कुछ ही समय बाकी है, विचित्र घाटी हम दोपहर तक ही पहुंच पाएंगे। अभी लो डार्लिंग, मैं भी तैयार होकर राजकुमार कारू बन जाता हूँ। बॉन्ड कपड़े बदलने लगा, शिखा और उसके साथ ही ड्रेस चेंज करने के साथ साथ मेकअप भी करने लगे। ये आत्माओं को मेकअप करने और ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? चक्कर कुछ समझ से बाहर है। कुछ कुछ देर बाद वे अपने अपनी पोशाकों में बिल्कुल तैयार खड़े थे। वह इस पोशाक में तो तुम बिल्कुल राजकुमार कारून नजर आते हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही।
यही हमारे लिए अच्छा है। मेरे विचार से हमें समय नष्ट न करके यहाँ से चलना चाहिए। हाँ चलो। शिखा के आदमियों ने जरूरी सामानों से भरा हुआ एक किट बैग अपने एक आदमी की पीठ पर लाद दिया और वे पांचों बाई ओर चल दिए। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। तो क्या मार्ग में यह जंगल भी पड़ता है? हाँ, आगे जाकर यह और घना हो जाएगा। इस जंगल को पार करने के बाद ही तुम्हारा कबीला आएगा। मेरा मतलब है कारू का कबीला। कहीं यह जंगल भयानक तो नहीं? मेरा मतलब इस जंगल में आदमखोर जानवर तो नहीं? मुझे उनसे बहुत डर लगता है। भयानक और हिंसक जानवर तो बहुत हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। हमारे रहते वह तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। और तब ठीक है। अब एक बात तुम भी ध्यान से सुनो प्रियतम, हमें जंगली जानवरों से इतना भय नहीं जितना कबीले के सरदार और उसके आदमियों से। यदि तुमने उनके सामने जरा भी गलत शब्द बोला तो वे लोग तुम्हें भी मार कर हमारी तरह आत्मा बना देंगे। अरे बाप रे। हाँ, फिर हम दोनों इस जन्म में भी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए तुम्हें उन्हें वही बात बतानी है जो हमने तुम्हें बताई है। यानी तुम्हें अपने आप को कबीले का राजकुमार कारू ही साबित करना है। अजी साबित क्या करना, मैं हूं ही राजकुमार कारू और तुम मेरी प्रेम गाओ। नहीं, तुम्हारे बारे में तो मुझे उन्हें कुछ बताना ही नहीं है। शाबाश। इसके साथ ही तुम्हें एक और बात और ध्यान रखनी है। यदि वहां पहुंचकर भी तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं आया तो तुम्हें अपने पिता यानी कबीले के सरदार जोरों से अपने खजाने के बारे में पूछना है। जहाँ मेरा खजाना? हाँ, तुम्हारा खजाना यानी हीरो की घाटी जो तुम्हारे पूर्वजों की खोज है, और उस घाटी तक रास्ता केवल तुम्हारा खानदान ही जानता है। और उस खानदान में अब कबीले का सरदार ही जीवित बचा है, क्योंकि अपने जिस बेटे कारू को उसने उस खजाने के बारे में बताया था वह मर ही चुका है। मेरा खजाना हीरो की घाटी? हाँ, तो तुम्हें किसी तरह सरदार को से उस घाटी के मार्ग के बारे में पूछना है और वहां तक पहुंचना है। लेकिन वहां पहुंचने से क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पहुंचकर तुम्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी, क्योंकि वहीं तुम्हारे पिता ने मेरी हत्या की थी और तुमने मेरे वियोग में आत्महत्या की थी। परंतु जब तक तुम वहां मेरे साथ थी तो मुझे वहां का रास्ता सरदार से पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझे वहां ले चलो। बेशक मैं वहां का मार्ग भूल गया, लेकिन तुम तो वहां का मार्ग जानती होगी। मैं बांड के प्रश्नों से शिखा एक बार फिर घबरा उठी, लेकिन उसके साथी ने बात संभाली। राजकुमार, शिखा को जब तुम अपने साथ वहां ले गए थे, यह तुम्हारे प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि इसने उस रास्ते को का ध्यान ही नहीं रखा। अतः तुम्हारे साथ साथ मरने के बाद इससे भी कुछ याद नहीं रहा। वो अब समझा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सरदार से किसी भी तरह कारू के खजाने का मार्ग मालूम कर लूंगा। डार्लिंग, मुझे तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर कार्य मंजूर है, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ। आह प्रियतम, तुम कितने अच्छे हो। वो हम बातों के विषय में से भटक गए थे। हाँ, हम हीरो की घाटी की बात कर रहे थे। हाँ डार्लिंग, एक बात तो तुमने बताई नहीं कि हीरो की घाटी में कैसा खजाना है। मुझे पूरा याद तो नहीं, जहां तक याद आता है वहां हीरे कंकड़ पत्थर की तरह बिखरे पड़े हैं। ओह तभी हो। अरे बाप रे, यह भयानक आवाजें कैसी हैं? लगता तुम्हारे कबीले वालों ने हमारी मौजूदगी जान ली है, इसलिए वे हमें घेर रहे हैं। परंतु तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रियतम, क्योंकि वे तुम्हें पहचान कर तुम्हारा कोई अहित नहीं करेंगे। शीघ्र ही बहुत सारे जंगलियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हुआ हुआ हो। अरे बाप रे, घबराओ निकारो, उनके सामने जाओ, फिर देखो ये तुम्हें पहचान कर तुम्हारा कितना मान सम्मान करते हैं। बॉन्ड शिखा के पीछे से निकलकर उन जंगलियों के सामने आ गया। उसे देखते जंगली शोर मचाते हुए प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे। हो, थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्र है, उन्होंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। अब तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। तभी उनमें से एक जंगली चीखा, हो वो। अगले पल सारे जंगली कुर्बान के सामने नतमस्तक हो गए। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने राजकुमार की वापसी पर उसका अभिवादन कर रहे हैं। अब तुम इन्हें उठने का आदेश दोगे तभी ये उठेंगे, वरना इसी मुद्रा में रहेंगे। ओ, अगले पल कुर्कुमान राजकुमार कारू बन गया। उठो मेरे कबीले वालों, उठो, हम तुम्हारे दिए गए सम्मान से बहुत खुश हुए। तुरंत ही सारे जंगली उठकर फिर प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे। बस बस, इतनी ही प्रसन्नता बहुत है। अब तुम लोग मुझे मेरे बापू के पास ले चलो,
मैं उनसे मिलने के लिए मीलों दूर से चल चल कर समुन्द्र पार से आया हूँ। हमारे साथ आइए राजकुमार। और जंगली उन्हें साथ लेकर प्रसन्नता से उछलते कूदते एक तरफ चल पड़े। हो। जब जंगली लोग कुर्कबांड आदि को लेकर अपने कबीले में पहुंचे तो कबीले का बूढ़ा सरदार कुर्कबांड को देखकर प्रसन्नता से चीख उठा, मेरा बेटा। दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले लग गए। मेरे बेटे तू आ गया। हाँ बापू, तुमसे मिलने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा। मैं समुद्र पार से तुमसे मिलने आया हूँ। आह, देवता ने हमारी सुन ली, आज हम बहुत खुश हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे साथी विदेशी लोग कौन है? ये लोग मेरी नई दुनिया के मित्र है बापू, इन्हीं के सहयोग से मैं तुम तक पहुंच पाया हूँ। ओ अच्छा, हम तुम लोगों के बहुत आभारी हैं विदेशी लोगों, जो तुमने हमें हमारे बिछड़े हुए बेटे से मिलाया। धन्यवाद सरदार, यह तो हमारा कर्तव्य था। बापू, अब तुम इन लोगों के ठहरने का इंतजाम करो। मेरे साथ साथ ये लोग भी बहुत थक चुके हैं, हम जरा आराम करेंगे। जरूर जरूर बेटा, आज तुम्हारे आने की खुशी में हम लोग एक शानदार जश्न भी मनाएंगे। अपनी ओर से मैं पूरे कबीले वालों को दावत दूंगा, यह तो बड़ी खुशी की बात होगी बापू। शिखा आदि को एक सुंदर से घर में ठहरा दिया गया और उन्हें भरपेट भोजन कराया गया, और बोंड को राजकुमार कारू के कमरे में ठहरा कर उसे भी भरपेट भोजन कराया गया। खा पी कर कुर्कबांड लंबी तान कर सो गया। रात को कबीले के सरदार जोरों ने कुर्कबांड यानी अपने बेटे कारू के आने की खुशी में एक शानदार दावत का इंतजाम किया। इसमें कुर्कबांड समेत शिखा आदि भी सम्मिलित हुए। प्रियतम, समय नष्ट न करना, होश के तो आजकल मैं अपने सरदार से अपने खजाने यानी हीरो की घाटी की का मार्ग पूछ लेना, ठीक है? वह रात जशन में ही बीत गई। सुबह होने पर जब जशन खत्म हुआ तो कुर्कबांड आदि अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए और दिन भर सोते रहे। संध्या को वे सब मिलकर कबीले के कुछ स्त्री पुरुषों के साथ कबीले में ही घूमे फिरे। फिर रात के खाने पर, बापू मेरे खजाने का क्या हाल है? बेटा, वह बिल्कुल सुरक्षित है। यदि तुम्हें खजाने की जरूरत हो तो जितना चाहे जाते समय अपने साथ ले जा सकते हो। बापू, अपनी दुनिया में मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि मैंने अपना कारोबार चला रखा है और खजाने में से मुझे कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बार वह खजाना देखना जरूर चाहता हूँ। जरूर देखाओ बेटा, इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मार्ग तुम्हें पता ही है, तुम कल ही अपना खजाना देखाओ। यही तो मुश्किल है बापू, दूसरा शरीर धारण करने के बाद मैं उस खजाने का रास्ता भूल गया हूँ। ओह, सरदार कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, ठीक है, कल मैं स्वयं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। वाह बापू, तुम कितने अच्छे हो। फिर खाने से निवृत्त होने के बाद बोंड मौका पाकर शिखा आदियों से मिला। कल मैं किसी भी समय अपना खजाना यानी हीरो की घाटी देखने जाऊंगा। मेरे साथ सिर्फ मेरे पिता यानी कबीले के सरदार होंगे। वह यह तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तुम्हारा पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, तुम जाओ और आराम करो। आज की रात हम भी अपना एक आवश्यक काम निपटा लेंगे। बॉन्ड लौट पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में सिहा की बात गूंज रही थी। हाँ, तुम जाओ, आज की रात हम भी अपना एक काम निपटा लेंगे। क्या काम हो सकता है सिहा का? आज की रात वह अपना कौन सा काम निपटाना चाहती है? बॉन्ड बिस्तर पर करवटे बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। जरूर कोई खास बात है, मुझे उन पर निगाह रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि वे अपना कौन सा काम निपटाते हैं। बॉन्ड अपने कमरे से निकल पड़ा और दबे पांव चलता हुआ शिखा के मकान के सामने जा पहुंचा। तभी उसे शिखा और उसके तीनों साथी घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। और ये तो कहीं जा रहे हैं। बॉन्ड दबे पांव उनके पीछे चल पड़ा। पूरा कबीला उस समय सो चुका था, इसलिए किसी ने भी उन्हें नहीं रोका टोका। अरे, ये तो कबीले से बाहर निकल आए, आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? लगभग 15 मिनट बाद वे एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंचे। इस गुफा में इनका क्या काम? तभी चार व्यक्ति ने जाने कहां से निकलकर शिखा आदियों के सामने आ खड़े हुए। सब ठीक ठाक है ना राका? हाँ मादाम, लेकिन आप कब वापस लौटी? कल दोपहर ही हमारा काम हो गया राका, इसलिए अब हमें उस बूढ़े अजीत की कोई जरूरत नहीं रह गई है। क्या क्या आप कारू के हमशक्ल को ले आई है? हाँ, अब वह सरदार जोरो के बेटे के रूप में हमें हीरो की घाटी तक पहुंचा देगा। उसके बाद हम हीरो की घाटी में होंगे और कारू का खजाना हमारा होगा।
युवती की बात सुनकर सभी प्रसन्नता से ठाका लगा उठे। हा। अच्छा अब यह बताओ कि वह बूढ़ा अजीत कैसा है? फिलहाल तो ठीक ठाक ही है, लेकिन लगता है आज से वह अपनी मौत की घड़िया गिनना आरंभ कर देगा। उसके बाद वे लोग गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। हम तो यह चक्कर है, जरूर इस गुफा में किसी को इन्होंने कैद कर रखा है। कौन हो सकता है वे? खैर इनके जाने के बाद पता करूंगा। बॉन्ड वहीं खड़ा उनके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद शिखादी गुफा से बाहर निकले। सुनो राका, तुम लोग अपनी जगह जाकर आराम करो, हम वापस कबीले में जा रहे हैं। ठीक है। फिर शिखा व उसके साथी कबीले की ओर लौट पड़े और राका बहन ने पास ही के पेड़ों के झुरमुटों के बीच आकर खो गए। उनके नजरों से ओझल होते बॉन्ड उस गुफा के भीतर पहुंच गया। वो तो यह वह कैदी। बॉन्ड पर नजर पड़ते वह बोल उठा, कौन हो तुम? अरे राजकुमार कारू। नहीं, मैं राजकुमार कारू नहीं हूँ। फिर बॉन्ड ने उसे बंधन मुक्त करके अपने बारे में और वहां आने के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन आप कौन और शिखा ने आपको यहाँ क्यों कैद कर रखा है? सुनो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में सारी बात आ जाएगी। मेरा नाम अजीत पाल है, मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से शिकारी हूँ। एक बार मेरा जहाज क्रैश हुआ और संयोग से मैं इस टापू पर आ पहुंचा और भटकता हुआ सरदार जोरों के कबीले जा पहुंचा। वह एक नेक और बहादुर आदमी था, उसने मेरा स्वागत किया और अतिथियों की तरह सम्मान दिया। मुझे सरदार और वह कबीला व्यवसायवासी इतने अच्छे लगे कि मैं वहीं बस गया। मुझे वहां रहते वर्षों गुजर गए। मैंने सरदार के बेटे को जवान होते वह एक लड़की शिखा के प्रेम चक्कर में उसे मरते हुए भी देखा। इस बीच मेरी मुलाकात शिखा और उसके साथियों से भी हुई जो भटक कर उस टापू में आ पहुंचे थे। मेरे कहने पर सरदार ने उन्हें भी काफी इज्जत दी। बस बेटे, एक रात खाने पीने के दौरान मेरे मुख से कारू के खजाने यानी हीरो की घाटी के बारे में उनके सामने निकल गया। बस उसी दिन से मेरी शामत आ गई। ये लोग मुझे पकड़ कर यहाँ ले आए और मुझसे उस घाटी के बारे में पूछने लगे। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सभी यह जानता हूँ कि इसी द्वीप पर कहीं हीरो की घाटी है, लेकिन कहाँ है और वहां तक जाने का रास्ता कौन सा है यह मैं नहीं जानता। मेरे विचार से यह ठीक ही कह रहा है, इसे और यातना देना बेकार है। तो मादम, हम हीरो की घाटी तक कैसे पहुंचेंगे? सरदार ने हमें उस घाटी तक पहुंचाने से रहा। यदि हमने उससे घाटी हीरो की घाटी के बारे में पूछने की कोशिश की तो हो सकता है वह हमें ही मार ही डाले। तुम ठीक कहते हो राका, हमें कोई और ही तरकीब लड़ानी होगी। और बेटा, उस दिन से के बाद वह लड़की शिखा और उसे कुछ साथी आज ही दिखाई पड़े हैं। वे भी मुझे यही बात बताकर गए हैं कि हीरो की घाटी तक पहुंचाने वाला राजकुमार कारू मिल गया है और मैं आज इसे ही अपनी मौत की घड़िया गिनना आरंभ कर दूं, क्योंकि हीरो की घाटी पहुंचने के बाद वे मुझे खत्म कर देंगे। और अब तो तुम समझ ही गए होगे बेटा कि वे तुम्हें यहाँ राजकुमार कारू बनाकर क्यों लाए हैं। बाबा दाद में कुछ काला कंकड़ पड़ा है, यह तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन यह नहीं जानता था कि आत्मा बनकर मुझे यहाँ तक लाने के पीछे उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ कारू के खजाने तक पहुंचना है। हाँ बेटा, असली उद्देश्य उनका यही है। वे तुम्हारे द्वारा उस बेशुमार खजाने तक पहुंचना चाहते हैं जिसका मार्ग अब सिर्फ सरदार ही जानता है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, किसी अजनबी को अपना मित्र बनाकर मैंने उन्हें कबीले की गोपनीयता क्यों बताई, क्यों उन्हें कारू और उसके खजाने के बारे में बताया। तुम चिंता मत करो बाबा, भगवान जो करता भले के लिए ही करता है। मुझे यहाँ लाकर उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है और अब उनका अंत निकट ही है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो बाबा, यहाँ से निकलकर अब तुम्हें मेरी योजना पर कार्य करना है। फिर बॉन्ड बूढ़े को अपनी योजना बताने लगा। उसके बाद वह बूढ़ा और अजीतपाल गुफा से बाहर निकल आए। चूंकि शिखा के आदमियों को ऐसी किसी बात की आशा नहीं थी, इसलिए वे निश्चिंतता के साथ अपने ठिकाने पर सोए हुए थे। जाओ बाबा, तुम कबीले पहुंचकर वहीं करो जैसा मैंने कहा है। मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कबीले वापस जा रहा हूँ। ठीक है। फिर बूढ़ा अजीतपाल एक अन्य मार्ग से कबीले की ओर चल पड़ा और बॉन्ड जिस रास्ते से आया था उसी मार्ग से कबीले वापस लौट पड़ा। अगले दिन सुबह सरदार कुर्कबांड को लेकर हीरो की घाटी की ओर चल पड़ा, जबकि शिखा और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे थे। एक स्थान पर पहुंचकर सरदार जोरो अपने घोड़े से नीचे उतर पड़ा।
उतरो बेटा, यहां से हम एक जमी दोज सुरंग द्वारा घाटी तक जाएंगे। ओ बोंड घोड़े से उतरकर सरदार के साथ एक विशाल वृक्ष की ओर बढ़ा। उस वृक्ष के तने में एक द्वार रूपी जगह थी, दोनों उसी में प्रवेश कर गए। अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसमें अनोखा प्रकाश हो रहा था, जिससे उन्हें चलने में जरा भी असुविधा नहीं हो रही थी। इस सुरंग में यह प्रकाश कहाँ से आ रहा बापू? यह प्रकाश तुम्हारे खजाने में पड़े बेशुमार चमकदार पत्थरों का है बेटे। वो यानी वे चमकदार पत्थर हीरे हैं। कुछ देर बाद जब सुरंग खत्म हुई तो कुर्कबांड ने अपने आप को जगमगाती घाटी में खड़े पाया, जो ईट पत्थर की तरह पड़े हीरों से जगमगा रही थी। हे भगवान, इतना अनमोल खजाना इस तरह बिखरा पड़ा है। तभी बस बॉन्ड, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें यहां तक पहुंचा दिया। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या बेउदार कतर डार्लिंग, तुम अपने प्रियतम को ही मार डालोगी? ही, कौन किसी डार्लिंग प्रियतम, यह सब आत्मा बात्मा का नाटक तो मैंने इस घाटी तक पहुंचने के लिए चलाया था। अब यह नाटक खत्म और इसके साथ तुम दोनों भी खत्म, लड़की। तभी बॉन्ड एक जोरदार ठहाका लगा उठा। हा, यह तुम मूर्खों की तरह हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं डार्लिंग। सुनो, तुम मुझे मूर्ख समझकर मूर्ख बनाती हुई यहां तक लाई, और मैं जानबूझकर मूर्ख बनता हुआ वह तुम्हें मूर्ख बनाता हुआ यहां तक आ पहुंचा। मुझे तो तुम पर पहली रात ही संदेह हो गया था, जब तुमने एक आत्मा बनकर यह कहा था कि कुछ गुंडे तुम्हारी इज्जत लूटने के चक्कर में है, क्योंकि तुमने मुझे जरूरत से ज्यादा मूर्ख समझ लिया था। इसलिए यह बात तुम अनजाने में ही कह गई। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं था कि इतना भी समझ नहीं पाता कि भला कोई व्यक्ति किसी आत्मा की इज्जत कैसे लूट सकता है। परंतु मैं खामोश इसलिए रहा क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत और मकसद जानना चाहता था, और यहां आकर मैं सब कुछ जान गया। बेटा, यह सब क्या चक्कर है? यह लड़की कौन है और यह अब हमारी मित्र बनकर अब हमारी जान क्यों लेना चाहती है? यह चक्कर बहुत लंबा सरदार। यह लड़की अपनी समझ से मुझे मूर्ख बनाती रही, और मैं इसे सुनो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, कहकर कुर्कबाण ने उसे विस्तार से सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर सरदार क्रोध से आग बबूला उठा। मैं इस चालाक और मक्कार लड़की के टुकड़े टुकड़े काट कर दूंगा। ठहरो सरदार, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ करेंगे तुम्हारे कबीले वाले और तुम्हारा मित्र अजीत पाल करेगा। अजीत पाल? अरे कहाँ है मेरा मित्र? जिस तरह से ये मक्कार लोग हमारा पीछा करते हुए यहां तक आए हैं, उसी तरह वे भी कबीले वालों के साथ हमारा पीछा करते हुए यहां तक आए हैं। ठहरिए, मैं भी उन्हें बुलाता हूँ, कहकर बोर्ड ने मुंह में दोनों हाथों की उंगलियां डालकर एक तेज सीटी बजाई। अगले पल, यो हो, अरे बाप रे, हे भगवान, अब क्या होगा? वाह, हा, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ शैतानों। साथियों, खत्म कर दो इन विदेशी शैतानों को। हो, जंगली तुरंत शिखा और उसके आदमियों के साथियों पर टूट पड़े। आई उफ आह ई पलक झपकते ही कबीले वालों ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। सरदार ने सारी बात जानकर अजीत पाल को अपने गले से लगा लिया, और कुछ दिन उस कबीले में काटने के बाद बॉन्ड हेलीकॉप्टर द्वारा वापस भारत लौट पड़ा। उसे विदा करते समय सरदार समेत सबकी आंखों में आंसू थे। समाप्त। तो दोस्तों, अब ये कॉम यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।